उमाना पीपल ग्रुप द्वारा किया गया पौधारोपण कार्यक्रम मानव के जीवन के लिए किया गया पौधारोपण कार्यक्रम पृथ्वी को बचाने के लिए एक नाटक के जरिए समाज में एक संदेश दिया गया। मथुरा गोवर्धन रोड स्थित एक स्थानीय गौरव होटल में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम उमाना ग्रुप द्वारा किया गया। उमाना के प्रिंसिपल मलय कुमार दास ने बताया कि वातावरण में हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और जीवन बिना वातावरण के असंभव है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, बच्चों को की प्रतिभाओं को निखरने की बात भी की। इस मौके पर डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी, ब्रिजेश शर्मा, रोजी खातून, वंदेवी विकास, अजीम आशीष, सूरजन जोशी व गौतम। मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ और ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया एंड TCGD गोवर्धन में DI की स्टूडेंट हूँ और मैं लोगों को जागरूक करने का काम करती हूँ। अगर हम अभी नहीं बचा पा रहे हैं तो हमारे बच्चे उसको कैसे झेल पाएंगे? आगे चलकर वही पानी उनको बोतलों में मिलेगा, अभी तो हमें तो नल में मिल रहा है, हम उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो अभी तो बोतलों में मिलने लगेगा, फिर उनके बच्चे फिर कैसे करेंगे? वो तो और समस्या हो जाएगा ना। तो हमें अभी से ही ये प्रण लेना है कि हमें जल को बचाना है और हमें हमारा जो पर्यावरण है उसको भी बचाना है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उसका तापमान दिन प्रतिदिन प्रदूषण के कारण बढ़ रहा है, पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है। तो इसको समझो और बचाओ, अपनी पृथ्वी को बचाओ आने वाला के, ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सके। नाम मलय कुमार दास है और मैं ह्यूमाना पीपल टू पीपल संस्था में कार्यरत हूँ और अब यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, जहाँ युवाओं को कैसे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं उसके प्रति हम एक ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य के एक लीडर बन सके और इस तरह के सामाजिक कार्यों में अपना सर आप किस तरह की सामाजिक कार्यक्रम करते हैं जरा बताएंगे? हमारी संस्था जो ह्यूमाना पीपल टू पीपल है मुख्यतः 5 बिंदुओं पर काम करती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामुदायिक विकास तथा माइक्रो फाइनेंस, ये सब बिंदुओं के ऊपर हमारी संस्था काम कर रही है और हम 14 राज्यों में स्थित हैं। 70 के लगभग हमारे परियोजनाएं चल रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य हम कर रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने इस ट्रेनिंग सेंटर में ऑर्गेनाइज किया है, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, ताकि सब मिल करके हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें, ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो। क्योंकि आज जो व्याप्त समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, प्रदूषित होती हुई हवा, प्रदूषण से प्रभावित हमारा भोजन, तो उसके लिए आपने क्या उपाय किया? प्रदूषण को दूर करने के लिए हम अपने स्तर पर ये उपाय कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि रोज़ाना जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली दूषित हवा है उसे वो शोषण कर हमें एक स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करें।